स्पॉन्सर्ड बाय आरएस एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब युवक युवतियों की दोस्ती होना आम सी बात हो गई है। इंस्टाग्राम से अपने मित्र से विवाह करने का सपना पाले बैठी युवती निकाह में भी समझौता कर ली, किंतु आरोपी मित्र दानिश उसे छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद कोतवाली महिला पुलिस ने बलात्कार के साथ आदिवासी अत्याचार अधिनियम सहित धार्मिक स्वतंत्रता एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला सतना जिले से सामने आया है, जहां एक युवती इंस्टाग्राम में ही मंडला के दानिश से प्यार कर बैठी। पीड़िता के अनुसार वह पिछले 8 महीने में 2 से 3 बार मंडला अपने प्रेमी आरोपी के कहने पर आई और एक होटल में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे विवाह करने का वादा किया और अपने परिवार के कारण पहले आधार कार्ड में पीड़िता का हिंदू नाम संशोधित कराया और निकाह करने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी आरोपी ने निकाह नहीं किया और पिछले 2 माह से फोन नहीं उठा रहा है और ना ही मिल रहा है। पीड़िता ने अपने शोषण की प्रथम शिकायत महिला थाना मंडला में की, जहां प्रकरण एक्ट्रोसिटी एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम तथा भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दर्ज कर लिया गया। पीड़िता के न्यायालयीन कथन भी हो चुके हैं। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने स्वीकार किया है कि आरोपी दानिश फरार हो गया है और पीड़िता के कथनों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और कब से हो रहा था? हम लोग की बात हुई थी इंस्टाग्राम में। बात करने के बाद दानिश ने हमें प्रपोज किया था। प्रपोज करने के बाद ऐसे बातचीत होने लगी, नंबर पर भी बातचीत होने लगी हमारी और दानिश की। फिर दानिश बोला कि आप मंडला आ जाओ, मेरे को मिलना है आपसे, आपको देखना है। मैं बोली ठीक है, हो गया, आती हूँ। मैं आई थी तो मेरे को होटल अशोका होटल पे लेके आया था दानिश, और वहाँ आया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला। मैं मना कर रही थी, डर भी रही थी, फिर भी उसने बोला कि ठीक है आप बना लो, एक बार देख तो लो। तो मैं बोली ठीक है, हो गया। तो उसने बनाया, बनाने के बाद बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो हम उसके लिए भी रेडी हो गए थे। बाद में रेडी होने के बाद उसने बोला था कि आप हिंदू हो, उसको पता था कि मैं हिंदू हूँ, हरिजन समाज की हूँ। तो उसने बोला था कि आप आधार कार्ड अपना चेंज करवा लो, वो हिंदू से आप मुस्लिम बनवा लो। तो मैं उसके लिए भी एग्री हो गई थी, हिंदू से मैंने मुस्लिम बनवाया। उसके बाद भी हमारा यहाँ आना जाना लगा रहा। लास्ट मैं 12 मार्च को आई थी, उसके बाद भी हमारा शारीरिक संबंध बना था। उसके बाद मैं बोली थी दानिश को कि हम शादी कर लेते हैं, अब ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रह सकते हैं, तो आप बात कर लो घर पे। तो उस बात वो गुस्सा हो गया था, उसके बाद वो गुस्सा हो गया था, हमारी बातचीत होना बंद हो गया। तो वो ब्लॉक कर दिया था, काफ़ी मैं फ़ोन भी की, मैसेज भी की, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो ये घटना की रिपोर्ट सबसे पहले जानकारी कब दी आप? सबसे पहले जानकारी मैं 14 मई यहाँ थाना आई थी, वहाँ पे हम समझौता करने के लिए हम बोले थे। तो दानिश भी बोला था, लिख के भी दिया था कि मैं अक्टूबर तक में शादी करूँगा। उसके बाद वो अपने दोस्त से धमकी दिलवाया, बोला उसका दोस्त की शादी वादी नहीं करेगा, ऐसा वैसा जो आपको करना वो आप कर सकते हो। आधार कार्ड में चेंज आपने किसी दबाववश कराया, किसी ने जबरदस्ती की तब कराया? नहीं, दानिश के कहने पे मैं आधार कार्ड चेंज करवाई थी, क्योंकि वो बोला था कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, क्योंकि आप हिंदू हो तो हमारे घर वाले परमिशन नहीं देंगे, नहीं मानेंगे, इसलिए मैं हिंदू से मुस्लिम बन गई। तो आधार कार्ड भर में चेंज कराया कि धर्म भी चेंज कर लिया? नहीं, आधार कार्ड बस चेंज करवाने के लिए बोला था, बोला शादी में धर्म में परिवर्तन हो जाता है शादी में जब निकाह होता है। तो आप निकाह के पक्षधर थी? जी, माने प्रेम में आप निकाह के पक्षधर भी हो गई? हाँ, वही सोच रही थी कि वो क्या निकाह करेगा, अब बोला है तो। अब आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि हो गया, वो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कल तो मैडम आपने जो बयान दिए थे तो वो तो उसके पक्ष में दिए थे कि शादी के लिए? उस टाइम पे उस शादी के लिए मैं वेट कर रही थी उसका, काफ़ी मैं फ़ोन भी की, कॉल भी की, कोई रिप्लाई नहीं आया, और काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इसकी वजह से। उस टाइम वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैंने उसका वेट भी किया, वेट करने के बाद उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे ऐसा लग रहा कि वो नहीं करेगा शादी। तभी अब कहाँ से रहने वाली है? मैं यहाँ सतना से। कल सतना से? कल जी। पुलिस का दबाव नहीं था आपकी? नहीं, दबाव वैसे नहीं था पुलिस, वैसे नहीं था, यानी नहीं था, दबाव नहीं था। अभी तो न्यायालय में बयान हो गया आपके? जी, हो गया वहाँ पे।
थैंक यू। महिला थाना जिला मंडला में एक प्रकरण आया हुआ था जिसमें शादी का जो एक प्रलोभन दे करके शोषण करने संबंधित मामला आया था, जिसमें महिला थाने के द्वारा केस दर्ज किया गया है 376 का। और इसमें चूँकि जो बच्ची है वो SC ST से संबंधित है, SC समुदाय की है, SC ST भी लगाया गया है, साथ में जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी दर्ज की गई है। इसमें द्वारा पुलिस आवश्यक जो संज्ञान इसमें लिए हुए हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर किस तरह की कार्रवाई संभव है इसमें? जो IPC की जितनी भी धाराएं हैं और जो दूसरे अधिनियम के तहत जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है, जिसमें जो पीड़िता है उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। सर आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं अभी फिलहाल में पुलिस के द्वारा? आरोपी तलाश जी बिल्कुल, आरोपी की तलाश की जाएगी और इसके चूंकि IPC के तहत दायरे में है तो उसके तहत जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, और जो पीड़िता है उनके 164 के बयान ये भी सब किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।